First blood. तो है गाइस, वेलकम बैक सभी को। मैं उजला, सभी का स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के ये वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे बारे में बहुत सारे बात जो आप लोग नहीं जानते होंगे तो वो सब बात आज बताने वाला हूँ, ठीक है। और गाइस, यहीं पर बोल लेता हूँ कि आज जो ओपोनेंट माने ये है, मतलब ओपोनेंट में है, तो ये 1v1 का मैच देख रहे हो। तो ये ओपोनेंट में मेरा फ्री फायर का सबसे पुराना वाला दोस्त है, यानी कि जब मैं फ्री फायर खेलना शुरू किया था तो उस टाइम का दोस्त, ठीक है। बहुत दिन बिछड़े हुए थे तो बहुत दिन के बाद मिल गया। तो गाइस, गेम प्ले भी बहुत मज़ा आया, साथ ही साथ आज आप लोग को ऐसा कुछ बातें मेरे बारे में जानने को मिलेगा जो आप लोग सोच के यार मतलब हैरान रह जाओगे, मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग सोच ही नहीं सकते कि मैं भी ऐसा था, कि मतलब मैं भी ऐसा ही कुछ था, ठीक है। बट अपन ने खुद की मेहनत के मतलब बहुत कड़ी मेहनत, क्या बोलो यार गाइस, दिन रात की मतलब बिना खाए बिना सोए मेहनत की वजह से आज इतना तक आ गया हूँ, ठीक है। और सपना तो बहुत बड़ा है कि बहुत आगे जाऊँगा, और आप लोगों की मदद तो हमेशा रहेगा, मुझे पता है। और मेरा ड्रीम को फुलफ़िल करने में आप लोगों को लेके साथ में जो मतलब मेरा ड्रीम है तो वो ज़रूर से ज़रूर एकदम खिला फूल जाएगा। बट आज मेरे बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, और वीडियो अच्छे लगे तो यार लाइक करके जाना। और मेरा लाइफ स्टोरी, फ्री फायर का स्टोरी आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस तो यार सुन के तो जाओ, मज़ा आएगा, ठीक है। तो गाइस, बात उस टाइम पर था जब मैं पहली बार फ्री फायर खेला था, ठीक है। तो मैं तब क्या था, मतलब एसएस फर्स्ट ईयर में था, ठीक है, हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था तब। तो तब मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मेरा खुद का मोबाइल नहीं था, ठीक है। तो खुद का मोबाइल नहीं था उस टाइम पर, और मैं दोस्त का मोबाइल लेके तब फ्री फायर खेलता था। और जब कॉलेज का क्लास मतलब ये होते हैं क्या बोलते ऑफ रहते हैं, तभी हम दोस्तों के मोबाइल लेके मतलब वहाँ पर खेलते थे। सीन ऐसा था कि मोबाइल अलाउ नहीं था कॉलेज में, फिर भी हमारे जो जो मतलब दोस्त के पास मोबाइल था तो वो लोग कॉलेज में लेके आते थे। और गाइस, मेरा खास करके एक फार्डिन नाम का एक दोस्त, तो उसका मोबाइल में मैं फ्री फायर खेलता था, ठीक है। तो इसका भी मोबाइल में कभी कभी खेलता था, बट इसका मोबाइल सैमसंग जेड था, ठीक है। तो इतना खास मोबाइल नहीं था इसका, बट मेरा फार्डिन नाम के जो दोस्त था ना, तो गाइस एसएस में, तो उसका मोबाइल ओप्पो समथिंग था, ओप्पो मतलब ऐसे ही कुछ ओप्पो का मोबाइल था, ठीक है। तो उसमें खेलने में मज़ा आता था, वो 3GB रैम का मोबाइल था। तो मेरा फ्री फायर का स्टोरी ऐसे शुरू हुआ था, और तब मेरे खुद का भी मोबाइल नहीं था। तो जब मैं मतलब मैं घर जाता था तो मामा के मोबाइल लेके, तो मामा के मोबाइल में मतलब खेलता था, ठीक है। तो वो था सैमसंग जेड टू गैलेक्सी याद ना, पता नहीं मैं भूल गया हूँ उस मोबाइल का नाम। 2GB रैम का मोबाइल था, तो इतना लैग होता था क्या बताऊँ, मतलब जस्ट आप खेल सकते हो बट गेम प्ले स्मूथली नहीं जाता, ना ही मतलब गेम प्ले कुछ खास तरीके से जाता है। ऐसा मोबाइल में खेल के मेरा फ्री फायर का स्टोरी शुरू हुआ था। जब धीरे धीरे मतलब गेम की तरह इन्फ्लुएंस बढ़ने लगे, जब गेम ज़्यादा अच्छा लगने लगे, तो तभी मतलब क्या बोलो यार, खुद का भी मोबाइल नहीं था, घर वाले भी मतलब घर वाले को बोलता था कि मैं मतलब अभी मोबाइल नहीं लूँगा, क्योंकि पता था मुझे तब पढ़ाई कराने का टाइम था, अगर तब मोबाइल ले लेता तो पढ़ाई बहुत ख़राब जाता। तो इसीलिए घर वाले बोले थे एक बार कि मोबाइल ले ले, तो तब मैं मना कर दिया था। बट बाद में मुझे बुरा भी लग रहा था कि भाई मेरा खुद का मोबाइल नहीं, गेम खुद के मोबाइल में खेल नहीं पाता, तो तभी बुरा लगा था। बट कोई ना, मैं दोस्तों के मोबाइल में ही कॉलेज में खेल लेता था, घर में मामा के मोबाइल में खेलता था, ठीक है। तो गाइस, अभी जो आप लोग कहानी सुन रहे हो तो ये 2018 की कहती है, 2018 की, आज कहाँ 2021 पहुँच गया, ठीक है। तो 2018 की दिसंबर मतलब ऐसा ही कुछ टाइम है, तो उस टाइम का था। तो गाइस, और ये जो दोस्त है ना, तो ये मतलब दोस्त मुझे हेल्प कैसे कर रहे थे कि जो फ्री का डायमंड मिलता था ना, जो वीडियो देखने में मतलब वो वीडियोस ये देख देते थे, क्योंकि मेरे मतलब मामी के मोबाइल में मतलब वीडियोस नहीं देख पाता था, नेटवर्क नहीं मिलता था। तो मेरा ये दोस्त ये मतलब वीडियो देख के वो डायमंड मतलब वो कर देता था, क्या बोलते हैं, क्लेम कर देता था, ठीक है। तो मेरा फ्री फायर का स्टोरी ऐसे शुरू होता है। और गाइस, आज देखो लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत मतलब ऐसा कुछ इंसान है, भाई मैं कुछ भी नहीं वैसा, आप लोग जैसा सोचते हो, मतलब देखो मैं भी आप लोग की तरफ ही, मेरा खुद का मोबाइल कब मिला था आप लोगों को पता है? तो गाइस, मैं बता दूं कि ये लास्ट दुर्गा पूजा, ठीक है, लास्ट दुर्गा पूजा में मैं खुद का मोबाइल लिया हूँ, ठीक है। यानी कि ऐसे तब पास कर लिया, तो लॉकडाउन भी शुरू हो गए थे, तो मोबाइल नहीं खरीद पा रहा था, तो भैया के मोबाइल में मैं खेलता था, ठीक है। तो भैया के मोबाइल में खेल के, तो वहीं पर मैं वीडियो कैसे एडिट कर रहे, यूट्यूब कैसे खुलते, तो गेम प्ले वगैरह मतलब वहीं पर मतलब कर रहे था, और भैया के मोबाइल में खेलता था।
तो देखो मतलब जिसके पास एक मोबाइल तक नहीं था, जिस बंदे को गेम खेलने के लिए मतलब खुद का मोबाइल नहीं था, दूसरों के मोबाइल में खेलता था, मतलब इतना दिन की भी बात नहीं कि बहुत दिन हो गया, ठीक है, पहले पहले मतलब शुरू किया ऐसा नहीं। अभी देखो मेरा लेवल टॉप, मेरा गेम का आईडी का लेवल टॉप था शायद 58 या फिर 59, तब जाके मुझे खुद का मोबाइल मिला था गाइस, ठीक है। और आज ज़्यादा भी लेवल नहीं है ऐसे, मैं क्योंकि ज़्यादा मैं गेम खेलता नहीं हूँ, खुद का मोबाइल ही नहीं है, कहाँ से खेलूँ भाई। दूसरे लोग खुद का मोबाइल लेकर रात को खेलते हैं, मुझे रात को मोबाइल नहीं मिलता, तो उस टाइम पर मैं ऐसे ही दिन में जितने टाइम मिलता था गेम खेलता था। और गाइस देखो, जो बंदे की मतलब खुद का मोबाइल नहीं था फिर भी इतना बड़ा ड्रीम रखता था और उसके लिए मेहनत कर रहा था, ठीक है, तो उसको सक्सेस जरूर से ज़रूर मिलता है, और यही सक्सेस की वजह आप लोग हो, ठीक है। आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाए हो तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कैसे ऐसे हमेशा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ कि आधे रास्ते में हार मान लेते हैं, ठीक है। और कैसे देखो, जिस टाइम पर मैं वो कर रहा था, ठीक है, दूसरों के मोबाइल में खेलता था, दूसरों के मोबाइल में ही यूट्यूब का वीडियोज़ वगैरह देखता था, लाइव स्ट्रीम वगैरह, ज्ञान गेमिंग तब मेरा फेवरेट यूट्यूबर रहा, ठीक है, ज्ञान गेमिंग, ज्ञान सुजान यानी कि आप लोगों को भी पता है, तो ज्ञान गेमिंग चैनल का तब सब्सक्राइबर था 300 के समथिंग, ठीक है, और हमारे एजीजेड में तब था 27 के, ठीक है, तो 27 के सब्सक्राइबर हमारे एजीजेड में था, और मतलब हमारा मेन चैनल का बात कर रहा हूँ, और ज्ञान सुजन का चैनल में यानी कि ज्ञान गेमिंग में तब सब्सक्राइबर था 300 के। तो यार तभी मेरा मन हुआ था कि यार देखो ये सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स यार लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, बहुत लोग देखने भी आते हैं, तभी ज्ञान सुजन का ऐसे व्यूज़ नहीं आता ज़्यादा, बट जो भी हो मतलब यूट्यूब में ऐसे गेम का लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तभी मेरा मन हुआ था कि मैं भी कुछ ऐसा करूँगा, ठीक है। तो ये 2019 की बात है, ठीक है, ये 2019 की बात है गाइस। और 2020 में जब जाके ये ख़त्म हुआ, मेरा एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हुआ 2020 के लास्ट में, मतलब यानी कि देखो पिछला दुर्गा पूजा, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ, वन ईयर ही नहीं हुआ कि मुझे खुद का मोबाइल मिला। इस बार का पूजा अगर आ जाए तब जाके मेरा खुद का मोबाइल लेना 1 ईयर होगा, और इसलिए बोलता हूँ यार बहुत लोग हार मान लेते हैं, आधे रास्ते में हार मान लेते हैं, तो हार मत मानो भाई, ये दुनिया है, यहाँ पीछे मतलब आपको घसीटने वाला, धकेलने वाला खाई में तो बहुत सारे मिलेंगे, बट उन लोग की बातों पे मत आओ, उन लोग की बातों पे, उन लोग की नज़रों में आओगे भी तो आपके ही मतलब नुकसान है, ठीक है, तो उन लोग से थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छा है। और उन लोग की मतलब, और ऐसे भी एक फ़ायदा है, हेटर्स, हेटर्स करते क्या है, बहुत मेहनत करके आपका वीक पॉइंट को ढूंढ के निकाल देते हैं, ठीक है, खुद बहुत मेहनत करते हैं गाइस, मैं बोल लेता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ पर आपका वीक पॉइंट है ये ढूंढने में, उसका खुद का टाइम लगा के आपका वीक पॉइंट ढूंढने का, ठीक है, तो हेटर्स की भी काम आ जाते हैं ऐसे, तो बहुत सारे हेटर्स भी हैं इस दुनिया में, सभी का, सिर्फ मेरा नहीं, बहुत लोगों का, सभी का, ठीक है, तो हेटर्स की तरफ ध्यान मत दो, खुद की कंटेंट क्रिएटिविटी, मैं उन छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर को बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आधे रास्ते में हार मान रहे, मतलब हार मानते हैं और आगे कुछ करने का सोचते नहीं, तो हार मत मानो भाई, ये दुनिया है ऐसा ही है, तो यहाँ पर मेहनत करो तो यार एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा, बट सिर्फ मेहनत करो ये नहीं बोलूँगा, कुछ अलग सा करो, यूनिक सा करो, जो दूसरे लोग करते नहीं है कुछ ऐसा करो, ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और मैं तो हमेशा हूँ सभी के साथ, ठीक है, मैं जितना हो सके मैं खुद की तरफ से मदद करूँगा, और वैसे आप लोग की मदद करके भी मुझे भी अच्छा लगता है, देखो जिसके वजह से मैं भी थोड़ा मतलब आगे जा सकता हूँ, तो उन लोग को भी आगे लेके जाने का मतलब मुझे भी बनता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा मदद करूँगा। और गाइस देखो, चैनल प्रमोशन के बारे में अभी थोड़ा बोल लेता हूँ कि एक ही दिन में सबका तो प्रमोशन नहीं करवा सकता, ठीक है, तो आप लोग वेट करो कि जब तक आपका ना हो जाए, ठीक है, मैं करूँगा, सबका करूँगा ऐसे दिन मैं। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मतलब मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ मुझे नहीं कर रहे हो, ये मैं देख रहा हूँ यार, मैं सबका कमेंट्स देखता हूँ यार, कौन कितने दिन से कर रहा है, ठीक है, और जो भी होगा, लव यू ऑल, बाय बाय।